दोस्तों, क्रिसमस के झांकियों के डेकोरेशन के लिए इस टाइप की डॉल जो ऑनलाइन काफ़ी महंगी मिलती है, मार्केट में भी काफ़ी महंगी मिलती है, तो आज के इस वीडियो में दवाई की खाली शीशी जो बाद में हम फेंक देते हैं और वाल पुट्टी और कुछ एक्रेलिक कलर की हेल्प से हम ये सुंदर सा क्रिसमस नेटिविटी डॉल सेट बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जितना पीस डॉल बनाएंगे उतना पीस दवाई की शीशी ले लेंगे और उसमें ऊपर के साइड होल कर देंगे और उसमें लकड़ी या कुछ भी लगा देंगे और उसके ऊपर एल्युमिनियम फोइल लगाकर उसको मोटा कर देंगे। इसी टाइप से जितना सेट बनाना है हम तैयार कर लेंगे। हमने दो बड़ी शीशी और दो छोटी शीशी, देखिए चार सेट बनाए हैं, ये छोटी वाली दो शीशी है, दो बड़ी शीशी। अब हम वाल पुट्टी का डो लेंगे और इसको रोटी की तरह बेल कर देखिए फैला लेंगे पतला, इसी टाइप से फैलाकर इसके ऊपर हम लगा देंगे। चारों शीशी में हम इसी तरह ढक देंगे वाल पुट्टी से। हमने बिरला वाल पुट्टी लिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको मार्केट में नहीं मिलता हो तो ले सकते हैं। जब चारों सेट में लग जाए वाल पुट्टी तो ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये हमारा ड्राई हो चुका है। हमने फेस बनाने के लिए फ्रेम बनाया, इसका लिंक मैंने दे दिया है, ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है, इसी से मैंने ये सारा फेस बनाया है, बहुत आसान है बनाना। सीसी के ऊपर साइड में हम वाल पुट्टी लगाकर फेस को फिक्स कर देंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसी टाइप से हम चारों में लगा लेंगे। देखिए हमारा फेस लग चुका है चारों में। जीसस की जो माँ थी मरियम, हम उनका डॉल अभी बना रहे हैं, इनको बैठा हुआ बनाना है तो हम उनका पैर बना रहे हैं। देखिए हमने कैसे बनाया है, पैर के लिए हमने एल्युमिनियम फोइल लगाया है, पहले वाल पुट्टी लगाकर उस पर एल्युमिनियम फोइल लगाए, फिर ऊपर से मैंने वाल पुट्टी लगाई, देखिए, और इसको चिकना करते रहेंगे ब्रश में पानी लगाकर, बॉडी को कुछ मोटा कर लेंगे। आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे किया है। ये वाल पुट्टी आपको किसी भी हार्डवेयर के दुकान पर 40 रुपये पर केजी मिल जाएगी। अब हम डॉल का हाथ बना लेंगे, इसके लिए भी मैंने एल्युमिनियम फॉइल से ही बनाए, देखिए पतला कॉइल बना लिया है मोड़कर और थोड़ी सी वाल पुट्टी से इसको फिक्स कर देंगे दोनों साइड से। इसी टाइप से सारे डॉल में हम हाथ बना लेंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये ड्राई हो चुका है, इसके बाद ही हम इस पर डिटेलिंग करेंगे, इसको ड्राई होने के बाद। दोस्तों, अगर आप चाहोगे कि वाल पुट्टी से एक ही बार में हम अपना क्राफ्ट तैयार कर ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा, यह लेयर बाई लेयर होता है। एक लेयर सूख जाए फिर दूसरा लेयर करें तभी अच्छा क्राफ्ट आपका होगा। ये हम एंजल बना रहे हैं जो उनके जन्म के समय आई थी, जीसस के जन्म के समय। हाथ जो हमने बनाया था इसमें भी वाल पुट्टी लगा लिया है, देखिए, और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जिस पोज में रखना है हाथ को मोड़ लेंगे। ये इसका एंजल का पंख बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड पे बना लिया था पंख और इसको कट कर लिया है कैंची से। इस पर पानी लगाकर वाल पुट्टी लगाएंगे और इस पर कुछ पंख का डिटेलिंग कर लेंगे। देखिए आप ध्यान से मैंने कैसे इस पर डिटेलिंग किया है। और जब पंख बन जाए हमारा तो इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने ये रात में बनाया था और इसे रात भर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और जब सुबह हार्ड हो गया तब इसके बाद मैंने वाल पुट्टी से इसको फिक्स किया है। इसी टाइप से हम कर लेंगे, देखिए एकदम इजी है। सुई से मैंने डिटेलिंग किया है इस पर। देखिए हमारा पंख बनकर रेडी है, ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसको जो परी है इसके पीछे हम फिक्स कर देंगे। पहले पानी से भिगा लेंगे और वाल पुट्टी लगाकर पंख को लगा देंगे, कुछ देर पकड़े रहेंगे नहीं तो नहीं चिपकेगा। 2-3 मिनट पकड़ने के बाद ये खुद चिपक जाएगा अच्छे से। देखिए हमारा ये सेट हो चुका है। पीछे से थोड़ा और वाल पुट्टी लगाकर इसको चिकना कर लेंगे। अब हम यूसुफ जो जीसस के पिता थे उनका मूर्ति बनाएंगे। देखिए हाथ पे मैंने ये वाल पुट्टी लगा लिया है, बॉडी पे भी डिटेलिंग कर लेंगे, थोड़ा इसको मोटा कर लेंगे। देखिए आप ध्यान से हाथ को हम जिस पोज में रखना है मोड़ लेंगे। हाथ में एक लाठी पकड़ाएंगे लास्ट में और एक हाथ में लालटेन पकड़ाएंगे। ये एक बच्चा था, आप लोग देखे होंगे झांकियों में एक बच्चा रहता है भेड़ लिए हुए, वही हम बच्चा बना रहे हैं। इसके गोदी में एक भेड़ रख देंगे, छोटा सा भेड़ का बच्चा, और हाथ से इसको पकड़ा देंगे। देखिए आप ध्यान से मैंने कैसे बनाया है। दोस्तों, अगर आपके पास वाल पुट्टी ना हो तो आप मिट्टी से भी बना सकते हो, लेकिन जो हमने स्ट्रक्चर के लिए अंदर सीसी जो लगाए है या एल्युमिनियम फोइल लगाए ये सब आपको नहीं लगाना होगा, सिर्फ मिट्टी से ही बनाना होगा। और सेम
इसी तरह आप बना सकते हैं मिट्टी से भी। अगर अंदर कुछ डालोगे स्ट्रक्चर के लिए तो ड्राई होने के बाद क्रैक होने लगेगा। मरियम के डॉल में भी हमने हाथ लगा दिया है, देखिए अब सबको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा ये चारों ड्राई हो चुका है। अब इस पर हम कपड़ा बनाएंगे। कपड़ा थोड़ा इलो का अजीब टाइप का था, ढीला ढीला कपड़ा था। ये एंजल है, इसका ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने कपड़ा बनाने के लिए पतला पतला क्वाइल बनाया है वाल पुट्टी का, और उसी को लगा कर देखिए मिला दिया है। अब ध्यान से देखिए मैंने कैसे बनाया है। एक कपड़े का सिलवट है, ब्रश में पानी लगाकर चिकना करते रहें। सर के ऊपर हम बाल भी बना लेंगे। पहले पानी लगाकर वाल पुट्टी का लेयर लगाएंगे और इस पे सुई से हम डिटेलिंग कर लेंगे बाल। देखिए हमारा एंजल रेडी है। अब हम यूसुफ का ड्रेस बना लेंगे। इसे भी आप ध्यान से देखिए, ठंडा का दिन था तो ये लोग चादर उधर ओढ़े हुए थे लोग। देखिए थोड़ा ढीला ढीला ड्रेस है ये लोग का। हाथ पे हम थोड़ा पानी लगाकर उस पर वाल पुट्टी लगाकर और सुई से हम उसका फिंगर बना लेंगे। सारे डॉल में हम इसी टाइप से फिंगर बना लेंगे। देखिए देखिए इनका ड्रेस हमने बना लिया है। अब हम लालटेन बनाएंगे। लालटेन बनाने के लिए मैंने होम्योपैथी की जो बोतल होती है छोटी छोटी, उसी को मैंने कट कर लिया है छोटा सा, और नीचे वाल पुट्टी लगा है और ऊपर होल करके पतला तार लगाया है इसे हैंग करने के लिए। देखिए हमारा ये लालटेन बन चुका है। इसको हम फिक्स कर देंगे हाथ में वाल पुट्टी की हेल्प से और उसके ऊपर फिंगर बना देंगे। देखिए ये हमारा हाथ बन चुका है। नीचे हम तो जूता बना लेंगे इनका। अब इनके कंधे पे चादर बनाएंगे, पतला लेयर बनाकर लगा देंगे आराम से एकदम, और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए ये चादर बन चुका है। ऊपर बाल भी बना लेंगे हम, पानी से भिगाकर लेयर लगा देंगे और इस पर सुई से पतला पतला लकीर खींचकर इसका बाल का डिटेलिंग कर लेंगे। देखिए हमने कैसे बनाए हैं बाल। इसी टाइप से हम दाढ़ी भी इनका बना लेंगे। अब हम मरियम का ड्रेस बनाएंगे। इसके ऊपर मैंने पहले पानी लगाया है और एक पतला लेयर लगाया है वाल पुट्टी का, और इसी पे कपड़ा का डिटेलिंग किया है, कपड़ा का सिलवटे बनाए। देखिए ध्यान से आप। दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट है तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट किया है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को स्लो करके देखें, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जहां आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा कि हम इसका बाल बना लेंगे। ड्रेस बना लिया है, देखिए बाल भी बन चुका है और इसके ऊपर एक इस टाइप का रख देंगे। देखिए ये बन चुका है ड्रेस। ये बच्चे का भी हमने बना लिया है ड्रेस। अब हम सबको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा ये ड्राई हो चुका है। 12 घंटे तक छोड़ दे धूप में सूखने के लिए। जब ड्राई हो जाए तो इसको कलर कर लेंगे। हमने स्किन कलर से सारे का बॉडी कलर किया है देखिए, और ब्राउन कलर से सबका बाल, आईब्रो, दाढ़ी, सबको आँख को ब्राउन कलर से कलर किया है। देखिए इसका दाढ़ी भी हम कर लेंगे ब्राउन कलर से कलर। जूता भी मैंने ब्राउन कलर से किया है, आईब्रो भी मैंने ब्राउन कलर, ये सब का मैंने देखिए ब्राउन कलर से बाल कर लिया है। अब एंजल का जो ऊपर का क्राउन है इसको मैंने गोल्डन कलर से कलर किया है। कपड़े के साइड साइड जो लेस है इसको भी मैंने गोल्डन कलर से कलर किया है, और पंख को मैंने आधा गोल्डन से किया है दोनों साइड से। देखिए हमारा ये एंजल रेडी है। एंजल का ड्रेस हम वाइट ही रखेंगे, और ये यूसुफ का ड्रेस मैंने ग्रे कलर से कलर किया है, और चादर को मैंने ये लाइट ब्राउन से कलर किया है। लाइट पिंक से मैंने मरियम का ड्रेस को कलर किया है, और इस मरियम के चादर को मैंने स्काई ब्लू से कलर किया है। दोस्तों अब आप ध्यान से देखते जाइए मैंने कैसे कलर किया है सबको। वीडियो थोड़ा फास्ट है। दोस्तों आशा करते हैं मैं जो बोल बोल कर वीडियो बनाता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता होगा मेरे वीडियो में।
अब हम आईज को कलर करेंगे। इसके लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है, इसी से हम सारे डॉल का आँख बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इस टाइप के और भी लो कॉस्ट क्राफ्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल आनंद आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूसुफ का भी मैंने आँख को कलर कर दिया है और लालटेन को ब्लैक कलर से कलर किया है। देखिए अब हम एंजल का भी आँख बना लेंगे ब्राउन कलर से, और इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर से एक छोटा सा डॉट दिया है आँख के अंदर। सारे आँख में मैंने इसी तरह बनाया है। दोस्तों, हमने कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर लिया है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। जब हमारा कलर कंप्लीट हो जाए तो उसे कुछ देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, और उसके ऊपर शाइनिंग लाने के लिए हमने वार्निश से कलर किया है। ये वार्निश देखिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इससे कलर आपका कभी ख़राब नहीं होगा इसे कलर करने के बाद, और क्राफ्ट पे शाइनिंग आती है। तो दोस्तों, हमारा ये क्रिसमस नेटिविटी डॉल सेट तैयार है जो ऑनलाइन काफ़ी महंगी मिलती है, 1200 में मिलती है, जो हमने मात्र 20 रुपए के वाल पुट्टी और कुछ एक्रेलिक कलर से बना लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों, आप भी क्रिसमस के झांकी के लिए ऐसा डॉल सेट बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये प्यारे से जीसस और छोटा छोटा जो भेड़ बनाया था ये बनाना हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही अस्तबल का भी वीडियो आने वाला है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, वो झोंपड़ी भी हम बनाएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।